बिग बॉस 14 जैस्मिन बसीन का फूटा राखी सावंत पर गुस्सा, बोली उसका ड्रामा कामयाब रहा। बिग बॉस 14 के घर के अंदर जैस्मिन बसीन का सफर पिछले सप्ताह समाप्त हो गया। जैस्मिन बसीन को शो के दौरान दर्शकों का काफी प्यार मिला। एक्ट्रेस जैस्मिन बसीन के घर से बेघर होने के दौरान बिग बॉस के कंटेस्टेंट काफी इमोशनल नजर आए। इतना ही नहीं, शो के होस्ट सलमान खान भी जैस्मिन के घर से बेघर होने के दौरान इमोशनल दिखे। शो के दौरान जैस्मिन बसीन और राखी सावंत के बीच काफी तकरार देखने को मिली। कई बार तो दोनों ने एक दूसरे पर निजी हमले भी किए। जहां एक तरफ जैस्मिन बसीन का बिग बॉस का सफर समाप्त हो चुका है, वहीं राखी सावंत अभी भी शो में मौजूद है। जैस्मिन ने शो से बाहर आते ही राखी के खिलाफ जमकर हमला बोला। अभिनेत्री का कहना है कि राखी सावंत सिर्फ इमोशनल ड्रामा करती है। एक्ट्रेस के मुताबिक राखी उन्हें प्रोवोक करने में सफल रही। जैस्मिन बसीन ने वेब पोर्टल से बात करते हुए कहा, यह सब मेरे खिलाफ चला गया और मुझे लगता है कि यह राखी का उद्देश्य था। उसे बिना किसी कारण के रियलिटी शो की रानी नहीं कहा जाता। वो जानती है कि किसी को कब और कैसे प्रोवोक, और वो मेरे साथ ऐसा करने में कामयाब रही। जैस्मिन का मानना है कि राखी सावंत की चोट एक बड़ा मुद्दा बन गई। हालांकि अभिनेत्री ने कहा कि उनका कभी भी राखी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। जैस्मिन ने सलमान खान के सामने माफी मांगी थी। हालांकि शो से बाहर आकर उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। जैस्मिन ने आगे कहा कि उसने निश्चित रूप से मेरे खिलाफ काम किया, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं खुद के लिए खड़ी थी। जैस्मिन के मुताबिक बिग बॉस के द्वारा राखी को इलाज की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया था। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।